हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब? आइयो अच्छे होंगे। मैं केपी संत आप सभी का न्यू वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल की वीडियो में आप सभी ने देखा था रिठानी से लेकर और शताब्दी नगर RRTS का स्टेशन। आज आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा दोस्तों शताब्दी नगर से लेकर और ब्रह्मपुरी RRTS का स्टेशन, एंड आपको मेरठ सेंट्रल का भी देखने के लिए मिलेगा जो कि अंडरग्राउंड स्टेशन होने वाला है। दोस्तों, तस्वीरें आप लोग देख सकते हो, ये शताब्दी नगर और इसमें तीन ट्रैक बनाए गए हैं। दोस्तों देखो, एक बीच वाला ट्रैक है जिसमें RRTS यानी कि रैपिड एक्स ट्रेन दौड़ेगी दोस्तों, और साइडों से देखो मेरठ मेट्रो चला करेगी दोस्तों। तो इसी वजह से यहाँ पर ये तीन प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं दोस्तों। और यहाँ से देखने के बाद में अभी आप लोगों को एक चीज़ और बताऊँ कि इस पर अभी डेंट पेंट का काम चल रहा है दोस्तों, कौन कौन लेवल पर काम चल रहा है। और प्लेटफॉर्म लेवल पर दोस्तों जो टिन सेट का स्ट्रक्चर है दोस्तों, स्टील का स्ट्रक्चर लगाने का काम किया जा रहा है दोनों साइडों में दोस्तों। शताब्दी नगर के स्टेशन पर क्या एंट्री एग्जिट पॉइंट को भी इंस्टॉल करने का काम किया जा रहा है, तो यही काम चल रहा है दोस्तों। और आप सभी को बताऊं कि आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगे तो हमें लाइक शेयर कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर लेना, नीचे रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और ऐसे ही वीडियोज़ देखते रहो KP संत के चैनल पर दोस्तों। KP संत लाता रहता है, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता है। चलते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं चल के दोस्तों कहाँ ब्रह्मपुरी RRTS का स्टेशन, कि उस पर क्या वर्क चल रहा है, क्या क्या किया जा रहा है। तो चलते हैं ना देर करते हुए, तो आप सभी इंजॉय करो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को दोस्तों। मेरठ का दोस्तों ROB ब्रिज है, और उसके बगल से ही देखो RRTS की ये लाइन जा रही है दोस्तों, जिस पे कि इलेक्ट्रिसिटी के खंभे लगा दिए जा चुके हैं। देखो टीम लगी हुई है जो कि साइडों से ये रेलिंग लगा रही है दोस्तों। और एक चीज़ और, इस पे अभी ट्रैक स्लैब बिछाने का भी काम किया जा रहा है, और साथ ही इस पर फिर ट्रैक बिछा दिया जाएगा, फिर इलेक्ट्रिसिटी की वायर डाली जाएगी दोस्तों। तो यही काम चल रहा है। और आगे देख सकते हो ये ब्रह्मपुरी RRTS का स्टेशन स्टार्ट हो चुका है। दोनों साइडों में देखो लंबा चौड़ा आप लोगों को पिलर देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि बीच में ये रोड आ रही थी तो इसी वजह से इन्होंने डबल पिलर का सहारा लिया है इस बायोडक्ट को कनेक्ट करने के लिए। दोस्तों देखो, जब मैं पिछली बार आया था दोस्तों, तब साइडों में ये गाटर लॉन्चिंग की जा रही थी, और गाटर लॉन्चिंग कर देने के बाद में दोस्तों इन्होंने फ्लोर वर्क भी कंप्लीट कर लिया जा चुका है। अब इस पर तो बस काम चल रहा है फिनिशिंग का, और एक साइड से का तो एंटी एग्जिट पॉइंट बन चुका है, दूसरी साइड का बन रहा है दोस्तों, उस पर फाउंडेशन बन गया है दोस्तों, आप पिलर को ऊपर खड़ा किया जाएगा। तो यही चल रहा है, और कौन कौन लेवल पर अभी तेज़ी के साथ में काम चल रहा है। यहाँ पर एक्सीलेटर ये रखे हुए हैं जो कि कौन कौन लेवल पर लगाए जाएंगे दोस्तों, प्लेटफॉर्म लेवल पर और कौन कौन लेवल पर अब ये लगाने का काम किया जाएगा। तो देख सकते हो यहाँ पर ये स्टेशन पर काम चल रहा है। देखो अभी इस पर फ्लोर वर्क हुआ है एंट्री एग्जिट पॉइंट पर, जिस पर कि सेटरिंग लगी हुई है, अब सेटरिंग को उतारा जाएगा दोस्तों। तो यही काम चल रहा है, देखो आप लोग
किस तरीके से यहाँ पर जोरों शोरों से काम चल रहा है दोस्तों। और डेंट पेंट का भी काम किया जा रहा है, जो कि पेंट करने का काम था वो नीचे कर दिया जा चुका है और प्लेटफॉर्म लेवल पर अब किया जा रहा है, यानी कि कौन कौन लेवल पर अब किया जा रहा है प्लेटफॉर्म लेवल पर दोस्तों, क्या जो टीम सेट का स्ट्रक्चर लगेगा स्टील का उसे लगाने का भी काम अब स्टार्ट हो चुका है। तो देखो इस तरीके से यहाँ पर देखो दूसरे एंट्री एग्जिट पॉइंट का दोस्तों फाउंडेशन बन गया है, देख सकते हो पिलर खड़े कर दिए हैं पिलर के, और अब उसमें कंक्रीट भरा जाएगा। कंक्रीट भरने के बाद में पिलर बड़े होते चले जाएंगे, फिर सेटरिंग लगा के जैसे उधर स्टेयर बनाए गए हैं वैसे ही इधर भी बनाए जाएंगे दूसरी साइडों में। तो यही वर्क चल रहा है, देखो आप लोग किस तरीके से यहाँ पर मेरठ के अंदर दोस्तों काम चल रहा है। और आप सभी को बता दूँ ये ब्रह्मपुरी के स्टेशन पर दोस्तों क्या मेरठ मेट्रो ही रुकेगी, RRTS की ट्रेन नहीं रुकेगी, क्योंकि वो रुकेगी दोस्तों कहाँ पे, एक मेरठ सेंट्रल में रुकेगी, दूसरी आपकी वैशाली नगर में रुकेगी, तीसरी दोस्तों आपकी बेगम पुल में जाके रुकेगी। तो ये स्टेशन तो हो गए दोस्तों किसके, RRTS के, और बाकी स्टेशन दोस्तों मेरठ मेट्रो के हैं। तो यही सारा काम चल रहा है तेजी के साथ में किया जा रहा है दोस्तों। एक्सीलेटर को भी इंस्टॉल किया जाएगा कौन कौन से लेवल पे और प्लेटफॉर्म लेवल से जोड़ा जाएगा, और साइडों में क्या स्टेयर भी बनाई जा रही है जिस पर कि मार्बल लगने का काम चल रहा है, यानी कि पत्थर लगाया जा रहा है, और लाइटें कैमरेस वो सारे लगाए जा रहे हैं, स्क्रीन डोर्स भी अभी लगाए जाएंगे प्लेटफॉर्म लेवल पे। तो अभी काफ़ी सारा काम है दोस्तों करने के लिए, काफ़ी सारा, अभी ऐसा समझो कि अभी 70% ही काम हो पाया है, अभी 30% काम बचा हुआ है, जो कि जोरों शोरों से काम चल रहा है दोस्तों, क्योंकि अगले साल 2025 में इस रूट को खोल दिया जाएगा दोस्तों। इस पर RRTS की ट्रेन भी चलेगी और मेरठ मेट्रो भी आम जनता के लिए प्रोवाइड करवा दी जाएगी। अभी तो बस मेरठ साउथ तक ही चलेगी, जो कि 20 मई को इसका उद्घाटन किया जाएगा दोस्तों मेरठ साउथ तक लाने के लिए। अभी ट्रायल रन चल रहा है और फिनिशिंग का काम चल रहा है, जैसा कि आप लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था। आप लोगों ने नहीं देखा था तो मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा, आप लोग जाके देख लेना। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए केपी संत को लाइक शेयर कमेंट करो ज्यादा से ज्यादा, चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और ऐसे ही वीडियोस केपी संत के चैनल पर दोस्तों देखते रहो, पढ़े केपी संत लाता रहता है, आप लोगों को इंफॉर्मेशन देता रहता है गाइस। तो आप लोग देखो ये ब्रह्मपुरी का स्टेशन है, ताकि मैं आप लोगों को अच्छी तरीके से दिखा रहा हूँ। देखो यहाँ पर गाटर लॉन्चिंग कर देने के बाद में अब फ्लोर वर्क किया जा रहा है, जैसे जैसे हम मेरठ सेंट्रल की साइड में चलेंगे आगे की साइड में वैसे वैसे ये बायोडक्ट नीचे होता चला जाएगा दोस्तों, और आगे मेरठ सेंट्रल का भी आप लोगों को व्यू देखने के लिए मिलेगा, जो कि अंडरग्राउंड टनल का काम चल रहा है, उसमें से अंडरग्राउंड टनल में फ्लोर वर्क कर देने के बाद में अब मिट्टी निकालने का काम किया जा रहा है। देखो यहाँ पर ये सेटरिंग लगाई जा रही है दोनों साइडों में, क्योंकि यहाँ पर ये पब्लिक चढ़ेगी उतरेगी तो ये वॉकवे बनाया गया है, तो यही काम चल रहा है। तो आप लोग बताना दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ से दोस्तों देख सकते हो, यहाँ से ये बायोडक्ट बिल्कुल लास्ट पिलर था, अब यहाँ से ये अंडरग्राउंड में जा रही है दोस्तों, अंडरग्राउंड होना स्टार्ट हो चुका है। और भाई साहब देखो रेलिंग भी बहुत मजबूती के साथ में लगाई गई है, पहले रोड नहीं बना था, रोड भी बना दिया जा चुका है, बिल्कुल काम खत्म हो गया इस बाल का काम बिल्कुल ख़त्म हो गया। अब जो इसका ट्रैक है दोस्तों बीच का, बस उस पर ही काम किया जा रहा है, बीच बीच में ट्रैक बना दिया है, उसकी मिट्टी निकाल दी है, उस पर फिनिशिंग का काम चल रहा है। आगे आगे जैसे जैसे फ्लोर वर्क करते चले जा रहे हैं वैसे वैसे मिट्टी निकालते चले जा रहे हैं दोस्तों। और आगे जहाँ पर ये चौराया है दोस्तों, कहाँ का, फुटबॉल चौक का, वहाँ पर ये स्टेशन होने वाला है दोस्तों मेरठ सेंट्रल का। तो अभी मुझे परमिशन नहीं मिली थी नीचे जाने की, इस वजह से मैं आप लोगों को शूट करके नहीं दिखा पाया हूँ, लेकिन कोशिश मैं ये करूँगा कि अगले अपडेट में आप सभी को मेरठ सेंट्रल और बेगमपुर का
अपडेट देखने के लिए मिले दोस्तों अंडरग्राउंड स्टेशन का, तो कोशिश मैं कर रहा हूँ पूरी पूरी आप लोगों को दिखाने की और बताने की मैं कोशिश करूँगा दोस्तों। देखो आप लोग, यह है मेरठ सेंट्रल का काम, जो कि अंडरग्राउंड टनल बनाई जा रही है, जोरों शोरों से काम चल रहा है। पहले तो इन्होंने साइडों की बाल बनाई थी, बाल बनाने के बाद में फिर बीच का इसमें ट्रैक बनाया था, फिर उसके बाद में दोस्तों मिट्टी निकालेंगे, मिट्टी निकाल देने के बाद में बीच का ट्रैक बिछाएंगे। तो यही काम चल रहा है बस अभी इस टाइम पे मेरठ के अंदर, जो कि इस महीने इस साल तो पूरा ही कंस्ट्रक्शन वर्क चलेगा दोस्तों। 25 में जाके कहीं ये काम हो पाएगा जाकर, वो भी 25 के लास्ट में ही इसमें मेरठ मेट्रो को चलाया जाएगा दोस्तों। उससे पहले तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि काम काफ़ी ज़्यादा है अभी मेरठ के अंदर करने के लिए, क्योंकि स्टेशन को भी बनाया जा रहा है। सबसे ज़्यादा तो टाइम दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि अंडरग्राउंड जो स्टेशन होते हैं सबसे ज़्यादा टाइम उन्हीं में लगता है। देखो आप लोग, क्योंकि मैं ऐसे ही अपडेट्स आप लोगों के बीच में लाता रहता हूँ, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ, आप लोगों को कैसे हमारे ब्लॉग्स लगते हैं आप लोग हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों। सारा ही आप लोगों को मेरठ सेंट्रल का ही व्यू देखने के लिए मिलेगा। और जब यहाँ पर काम चल रहा था दोस्तों, तब आप देखते हैं, देखो ये सारा अंडरग्राउंड हिस्सा है जिस पर कि अभी वाहन दौड़ रहे हैं और जिस पर हम चल रहे हैं। इस पर फ्लोर वर्क कर दिया, बिल्कुल कम्प्लीट कर दिया है, आम जनता के लिए खोल दिया। अब उधर का बनाया जा रहा है, तो उधर भी फ्लोर वर्क कम्प्लीट हो जाएगा, फिर वो भी खोल दिया जाएगा आम जनता के लिए। तो ऊपर तो देखो वाहन चलेंगे और नीचे दोस्तों मेट्रो चलेगी RRTS की। और यहाँ पर देखो स्टेशन भी काफ़ी अद्भुत बनाए गए हैं दोस्तों, काफ़ी अद्भुत स्टेशन बनाए गए हैं दोस्तों, ठीक है। और आप लोग बताना कि आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए KP संत को लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन, उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और ऐसे ही वीडियोस देखते रहो KP संत के चैनल पर दोस्तों। KP संत लाता रहता है, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता है, और बहुत ही जल्द मैं आप लोगों के बीच में एक अच्छा कैमरा प्रोवाइड करने वाला हूँ, जिससे कि क्लैरिटी और भी अच्छी आएगी, वीडियो की शाइनिंग भी बहुत अच्छी आएगी। तो मैं लगा पड़ा हूँ, आप लोग घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत गाइस। मिलते किसी नई वीडियो में आप सभी से, तो इन्जॉय करो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को दोस्तों।